प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम करेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी इंटीजर्स आ जाए, कितने भी इंटीजर्स आ जाए, हम उसकी मल्टीप्लाई का आंसर एक बार में ही बिल्कुल 100% करेक्ट निकाल सकते हैं। आज इसी तरह से हम सीखेंगे इंटीजर्स को आपस में कैसे डिवाइड करते हैं, इनमें साइन का, चाहे नेगेटिव साइन आ जाए दोनों इंटीजर्स के आगे, चाहे दोनों पॉजिटिव आ जाए, चाहे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाए, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सभी के आंसर आसानी से निकाल देंगे। देखो, जैसे ये तो आपको पता है कि 24 को मान लो आप 6 से डिवाइड करते हो। मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ ताकि पता लगे आपको कि आपको पहले पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करना आता है कि नहीं। 24 को 6 से डिवाइड करोगे, ऐसे भी लिख सकते हो डिवीजन के साइन को, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात होती है। अब इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। मैंने आपको कहा था कि 20 तक टेबल तो आपको आनी ही आनी चाहिए, 20 तक। तो 6 की टेबल में 6 1 जा और 6 4 जा, तो आंसर कितना आ गया अपना 4। डिनोमिनेटर में कितना बच गया, 1। 1 चाहे नीचे लिखो चाहे ना लिखो, 4 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, आंसर 4 ही आता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बस डिवाइड तो ऐसे ही करते हैं इंटीजर्स को। जैसे मैं ये कहूँ कि डिवाइड करो आप 42 को बाय 6, 42 को 6 से बच्चों डिवाइड करेंगे तो कैसे करते हैं, 42 डिवाइड बाय 6 ऐसे करते हैं। 42 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6 7 जा, आंसर कितना आ गया अपना 7 आ गया। तो अभी तक आपने ऐसे इंटीजर्स को डिवाइड तो किया होगा जो दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मैं आपको अब तीन रूल सिखाता हूँ। देखो, रूल नंबर 1, व्हेन बोथ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, व्हेन बोथ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव। फिर रूल नंबर 2 लिख लो बच्चों, व्हेन बोथ द इंटीजर्स आर नेगेटिव, व्हेन बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। और थर्ड और लास्ट रूल क्या होगा, एक इंटीजर पॉजिटिव हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। व्हेन वन इंटीजर इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव, ये तीन ही केस हो सकते हैं, ठीक है, ये तीन ही केस होते हैं बच्चों। अब आप मेरे को ये बताओ, दोनों इंटीजर जब पॉजिटिव हो, ये जो दो हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं ये इन्हीं के तो है कि जब दोनों इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, बस आप मेरे को ये बता दो, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, है ना, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखो, जब दोनों इंटीजर्स नेगेटिव होंगे, आप मेरे को ये बता दो, जब हमने मल्टीप्लाई की थी जैसे -2 की -3 से, तो माइनस में दो साइन मिलके क्या बन जाते हैं, प्लस, और 3 2 जा कितना होता है 6, आंसर क्या आता था, पॉजिटिव आता था ना। यानी कि जब दो साइन माइनस के होते थे और हम उनकी मल्टीप्लिकेशन करते थे इंटीजर्स की, आंसर क्या आता था, हमेशा ही पॉजिटिव। ऐसे ही डिवीजन में आएगा, आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। कब पॉजिटिव आएगा, जब दोनों साइन क्या हो, आपके नेगेटिव हो, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव हो। आंसर नेगेटिव कब आएगा, जब एक तो क्या हो, पॉजिटिव और दूसरा क्या हो, नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका नेगेटिव आएगा। बस बाकी सब कुछ आसान है, साइन का बच्चे में कन्फ्यूजन होती है साइन को लेके कि आंसर क्या आएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर 3, मैं कहता हूँ डिवाइड -12 बाय -3। -12 को -3 से आप क्या करोगे बच्चों, डिवाइड, तो लिखोगे कैसे, देखो डिवाइड और डिवाइड का साइन लगा दो, किससे डिवाइड करना है, -3 से। जब ऊपर नीचे माइनस होते हैं ना, तो एक दूसरे से क्या कर दो, इसको कैंसिल कर दो, कितना बच गया हमारा 12/3 बच गया। अब ये तो वही नहीं आ गए कि दोनों के दोनों इंटीजर कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए, क्योंकि माइनस और माइनस तो खत्म ही हो गए। तो 3 1 जा 3 4 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा। और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कितने भी क्वेश्चन कर लो यही रूल रहेगा, डिवाइड -100 बाय -4। अब आप मेरे को बताओ, -100 को -4 से डिवाइड जब करेंगे, तो साइन मैंने बताया था ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, क्या है, कट जाएगा। अब क्या बच गया अपना 100/4। अब इसको सोल्व कर ले, 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो देखो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बच गया 2,
ये जीरो उतारेंगे नीचे, फोर फाइव जा कितना हो जाएगा 20, तो कितना आंसर आ जाएगा अपना 4 1 जा, और ये 25 पे कट जाएगा, आंसर कितना आ गया बच्चों 25 आ गया। ठीक है, हो जाएंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, जब दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हो तो आंसर क्या आएगा, हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या जब एक क्या हो पॉजिटिव हो और एक क्या हो नेगेटिव हो। हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने भी मैथ्स में रूल होते हैं सब सीख लेंगे, आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी बेसिक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपसे कहता हूँ, डिवाइड करो -50 को 10 से। -50 को बच्चों 10 से डिवाइड करना है आपको, तो आप कैसे लिखोगे, -50 डिवाइड बाय 10। ठीक है, ये हो गया। अब देखो साइन क्या है, एक प्लस का है इंटीजर और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, आंसर तो हमेशा क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा, आंसर के आगे तो साइन माइनस का ही आएगा। बस आप 50 को 10 से डिवाइड कर लो, जीरो से जीरो कटेगी, आंसर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा -5 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन तो आना ही आना है। फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डिवाइड करो आप माइनस के 54 को 3 से। -54 को बच्चों जब 3 से डिवाइड करोगे, ऊपर लिखोगे -54, नीचे लिखोगे 3, फिर बताओ साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। आंसर में 54 को 3 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3 2 बचेगा, और 3 8 जा 24 यानी कि 18 आ जाएगा। 18 की टेबल जिस बच्चे को आती है वो सीधा बता देगा, 18 3 जा 20 54 होता है ना, तो माइनस का कितना आ जाएगा आपका आंसर 18, -18 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आप बात समझ गए, एक इंटीजर पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो आंसर क्या आएगा, हमेशा ही नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं और आपको करवाता हूँ। देखो अब मैं ये कहूँ आपको कि डिवाइड करो आप 24 को बाय -6। अब सेकंड नंबर के आगे नेगेटिव आ गया तो भी कोई बात नहीं, आंसर वही आएगा, 24 ऊपर नीचे कितना आएगा माइनस का 6। अब माइनस के साइन देखो कितने हैं, एक साइन है ना माइनस का, अगर माइनस का एक साइन है तो आंसर क्या आएगा आपका नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा नेगेटिव, 6 1 जा 6 4 जा, तो यानी कि -4। चाहे नेगेटिव साइन आपका डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमिनेटर में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ प्रैक्टिस के लिए। देखो ये क्वेश्चन है, आपको डिवाइड करना है सभी क्वेश्चंस में -12, डिवाइड के साइन को मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, बताओ आप मेरे को कितने साइन माइनस के है, एक, आंसर क्या आएगा आपका माइनस में आएगा, 2 2 6 जा 2 1 जा, तो माइनस के 6 क्या आ गया आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं नाम दे रहा हूँ अपनी नोटबुक में, आप जब आप नोट करोगे ना ऐसे नोट कर लेना। ठीक है, फिर ये सेकेंड क्वेश्चन, -20 डिवाइड करोगे इसको किससे, 5 से, एक पॉजिटिव है इंटीजर एक नेगेटिव है, 5 1 जा 5 4 जा, आंसर क्या आएगा आपका माइनस का 4 आएगा। ठीक है, हो गया ये। अब देखो थर्ड पार्ट, अब इसका थर्ड पार्ट और ये है फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं, -32 डिवाइड बाय 4, एक प्लस का एक माइनस का इंटीजर, आंसर क्या आएगा आपका माइनस का 8 आएगा, क्योंकि 4 1 जा 4 8 जा कितना होता है 32 होता है। फोर्थ पार्ट करते हैं, -45 डिवाइड बाय 5, साइन किसका आएगा आंसर में माइनस का, अब बताना 5 1 जा 5 9 जा, तो कितना आ गया आंसर बताओ माइनस के 9। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, ये हो गए अपने। अब ये देखो फर्स्ट पार्ट, -100 डिवाइड बाय 5, आंसर किसका आएगा बस आप मेरे को ये बता दो, माइनस का आएगा ना, क्यों, क्योंकि एक साइन माइनस का है। ठीक है, 5 1 जा 5 2 जा और एक जीरो लग जाएगी, तो माइनस के 20 अपना आंसर आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ये देखो बी पार्ट, -81 डिवाइड बाय 9, 9 1 जा 9 9 जा, आंसर क्या आएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक क्या है नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ पे देखो -75 डिवाइड बाय 5, आंसर तो माइनस का ही आएगा, 75 को 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5 2 रिमाइंडर, नीचे लेके आएंगे 5 को और 5 5 जा कितना होएगा आपका 25, तो कितना आ जाएगा आपका 5 1 जा और 15 5 जा 75, माइनस के 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया पार्ट सी भी। अब करते हैं हम पार्ट डी, -32 डिवाइड बाय 2, आंसर तो माइनस का ही आएगा। अब बताओ 2 को आप डिवाइड कर सकते हो ना आसानी से, 2 1 जा
टू वन जा और वन और टू सिक्स जा, तो 16 टू जा 32 होता है, तो माइनस 16 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो और करते हैं हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ये देखो तीन क्वेश्चन ये है आपके, ए पार्ट 125 नीचे कितना है, माइनस के 25 है, ठीक है यही तो है। आप माइनस का एक साइन हो चाहे ऊपर चाहे नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर किसका आएगा, माइनस का। अब इसको आपको काटना आना चाहिए, ठीक है। 25 की टेबल तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी, वैसे नहीं आती तो 5 पे काट लो, 5 5 जा और 5 25 जा, 5 1 जा, 5 5 जा, तो आंसर क्या आ गया आपका, माइनस के 5। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन, इसमें है 80 डिवाइड बाय माइनस के 5, साइन किसका आएगा आंसर में, माइनस का, 80 बाय 5। 80 को 5 से डिवाइड कर लो, कैसे करोगे, 5 1 जा और 16 की टेबल जिसको आती है, 16 5 जा 80 होता है ना, तो कितना आए आंसर आएगा अपना, माइनस के 16 आ जाएगा। इसी तरह से सी पार्ट कर लो, 64 डिवाइड बाय माइनस 16, आंसर तो क्या आएगा, माइनस का ही आएगा, 64 को 16 से डिवाइड कर दो, 16 1 जा 16 4 जा, आंसर क्या आ गया आपका, माइनस के 4। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बिल्कुल, लेकिन काम के बहुत है, क्योंकि इसी से आपका जो है ना बेस 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये देखो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -36 डिवाइड बाय -4। मैंने क्या बताया था, जब दोनों ही इंटीजर नेगेटिव हो तो आपस में माइनस का साइन क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, तो क्या बच गया, 36 बाय 4। कोई भी बच्चा बताओ 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 9 जा, आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। टेबल आपको आनी चाहिए, ये देखो माइनस के 201 और डिवाइड बाय माइनस के 3, अब बताओ इसमें क्या होगा, माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया, 201 को 3 से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो, 3 6 18 बच गए 2, 3 7 20 1, आंसर कितना आएगा आपका, 67 आ जाएगा, 67 इस क्वेश्चन का आंसर है। सी पार्ट में देखो -325 और नीचे कितना है, माइनस के 13, अब आप क्या करो, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बच गया, 325 डिवाइड बाय 13, और डिवाइड करना आपको आता ही है, 325 को 13 से डिवाइड करो, 13 2 जा 26, रिमाइंडर बच गया 6, उतारेंगे 5, और 13 5 जा कितना होता है, 65 होता है, तो क्या बच गया आंसर अपना, 25 बच गया, ठीक है। डिवाइड आपको करके देखना है हर क्वेश्चन में, ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब देखो तीन पार्ट इसके हैं, पार्ट आगे पीछे दे रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कैलकुलेशन करनी है, बताओ इसका आंसर, -30 नीचे कितना आएगा, 10, आंसर तो माइनस का ही आएगा क्योंकि एक माइनस का साइन है, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया आंसर अपना, माइनस के 3। अब देखो सेकंड पार्ट, 50 डिवाइड बाय -5, आंसर तो किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, क्यों, क्योंकि एक साइन माइनस का है, और 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी बच्चा बता देगा, 5 1 जा 5 10 जा, आंसर कितना आ गया, माइनस के 10 आ गया। अब बताओ ये क्या आएगा, -49 डिवाइड बाय 49, देखो आंसर तो माइनस का ही आएगा, और 49 से 49 क्या हो जाएगा बताओ, कैंसिल, कैंसिल होने का मतलब 49 को 49 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। कई बच्चे 0 लिख देते हैं, 0 तब आता है जब 49 को 49 से माइनस करते हैं ना, लेकिन डिवाइड करेंगे, 49 टॉफी है और 49 बच्चों में बांटेंगे, एक बच्चे को कितनी मिलेगी बताओ, एक टॉफी मिलेगी ना, तो यानी कि एक टॉफी मिलेगी, तो आंसर कितना आएगा, 1। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिवीजन है इंटीजर्स की, सिर्फ आपको बच्चों साइन का ध्यान रखना है कि साइन प्लस का आएगा या फिर क्या आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ छोटी छोटी बातें पूछता हूँ, देखो अब मैं आपको बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन देता हूँ। मैं ये कहता हूँ, इफ द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज 30 रुपीज, एक बुक अगर हम बाजार से खरीदने जाते हैं तो बच्चों 30 रुपए की आती है, मान लेते हैं हम, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 such books, यानी कि इस तरह की 5 books की कॉस्ट क्या होगी, 5 books कितने रुपए में आएगी, आपको पता है क्या लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ 1 book, वो है 30 रुपीज। एक बुक अगर हम दुकान से लेने गए तो दुकानदार ने कहा कि बेटा एक बुक आएगी 30 की, हम कहते हैं अंकल हमारे को ऐसी ऐसी 5 बुक्स चाहिए, कॉस्ट ऑफ
फाइव बुक्स, तो बता सकते हो मेरे को दुकानदार आपसे कितने पैसे लेगा? एक बुक की जो भी कॉस्ट है ना, उसको फाइव से वो क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा, है ना। आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 150 रुपीज़। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आता कैसे है ये मैं बताता हूँ। देखो ये मान लेते हैं एक बुक है, ये मान लेते हैं क्या है बच्चों, एक बुक है। ऐसी कितनी बुक्स खरीद रहे हो आप? पांच बुक्स खरीद रहे हो ना दुकानदार से। एक बुक ये है, एक बुक मान लेते हैं ये है, एक बुक ये होगी और एक बुक ये होगी, ठीक है। ये पांच बुक्स है। हर एक बुक का प्राइस कितना है? हर एक बुक्स के ऊपर एमआरपी लिखा हुआ है 30। दुकानदार ने कहा कि अगर आप एक बुक लोगे ना तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? 30 रुपीज़ देने पड़ेंगे। आप कहते हैं मेरे को 500 चाहिए, तो फिर बताओ 500 की कॉस्ट ऐड हो जाएगी ना। 30 को 5 टाइम्स ऐड करो या 30 को 5 से मल्टीप्लाई करो, एक ही मतलब होता है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो समझ जाओगे आज के बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन। अब मैं आपको कहता हूँ सेकेंड क्वेश्चन। इफ द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 12 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फोर पेन्स। आपको चार पेन की कॉस्ट बतानी है। एक पेन 12 रुपये का आता है, तो चार पेन कितने रुपए के आएंगे आपको ये बताना है। आप क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ वन पेन ये कितना है? 12 रुपीज। आपको निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ फोर पेन्स। तो एक पेन की जो भी कॉस्ट होती है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? जितने आपने पेन खरीदने हैं, फोर खरीदने हैं, तो दुकानदार कहेगा कि 48 रुपीज़ देने पड़ेंगे। क्यों? जैसे मान लो एक, ये चार पेन आपने खरीदे, ये चार पेन है, ठीक है, ये चार पेन है। हर एक पेन के ऊपर कितना लिखा हुआ है? 12 रुपीज़। ये 12 लिखा हुआ है, तो चारों पेन खरीदोगे तो चारों पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि 12 को 4 टाइम्स ऐड करो या 12 को 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 48 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें आप हर लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा ना, तो आपका दिमाग चलने लग जाएगा कि हाँ, एक पेन अगर 12 रुपये का आता है तो चार पेन कितने आएंगे? 12 × 4। और क्यों आए? मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया ताकि ये डायग्राम आपके दिमाग में रहे काफ़ी लंबे टाइम तक, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ऐसे ही मैं डेली आपको कुछ ना कुछ मैथ्स में बेसिक सिखाता रहूँगा, और ये आप अच्छे से सीखो, वीडियो को सुनो, एक बार में समझ ना आए तो दो बार सुनो, अपनी नोटबुक में लिखा जरूर करो, और फिर एक वीक के अंदर जितना भी मैं काम कराता हूँ ना, संडे वाले दिन 1 से 1.5 घंटा वो सारा का सारा पढ़ दिया करो जो अपने इस वीक के अंदर काम किया है। आपकी रिवीजन हमेशा मैथ की होती रहेगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।